न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सूर्य ग्रहण देखने के लिए तारामंडल स्थित वीर बहादुर सिंह नक्षत्र शाला में लोगों का लगा रहा तांता। टेलीस्कोप के माध्यम से वैज्ञानिकों और नागरिकों ने किया सूर्य ग्रहण का दीदार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, जीवन जीने का विज्ञान है योग। प्रत्येक भारतीयों को योग को दैनिक जीवन में करना चाहिए शामिल। सदर सांसद रवि किशन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दी हार्दिक शुभकामनाएं, कहा योग स्वस्थ रहने का है सरल साधन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त ने किया बेतिहाता स्थित अपने आवास पर योग, कहा इससे स्वस्थ मस्तिष्क के साथ शरीर भी रहता है स्वस्थ। गोरखपुर में रविवार को 18 कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज, जनपद में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 238, अब तक 10 लोगों की हो चुकी है मौत, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 76। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नगर आयुक्त ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ किया योग, कहा तमाम बीमारियों से बचाता है योग। भारत की योग परंपरा और महायोगी गोरखनाथ विषय पर ऑनलाइन सप्त दिवसीय योग एवं शैक्षिक कार्यशाला का हुआ समापन। वक्ताओं ने कहा योग व्यायाम नहीं अपितु विज्ञान का है चौथा आयाम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर SP साउथ ने साफ परिवार अपने आवास पर ही किया योग, कहा नियमित योग करने से तन और मन दोनों रहते हैं स्वस्थ और निरोग। महुआ मंडी की व्यवस्था का सिटी मजिस्ट्रेट ने लिया जायजा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के दिए निर्देश। भारत और चीन सीमा पर हुए झड़प में शहीद हुए जवानों के शहादत पर हिंदुत्व समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। सूर्य ग्रहण का समय समाप्त होते ही गोलघर काली मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ध्यान। महुआ मंडी सब्जी एवं फल मंडी एसोसिएशन के नई कार्यकारिणी का हुआ चुनाव, निर्विरोध चुने गए सभी पदाधिकारी। पांचवीं बार अवध गुप्ता बने अध्यक्ष और फिरोज अहमद राइन बने महामंत्री। और महानगर में बिना हेलमेट और मास्क के घूम रहे लोगों का पुलिस ने किया चालान, कहा करें नियमों का पालन नहीं तो होगी कार्रवाई।